मैं आ रही हूँ, मम्मी जा रही है। मैं अगर खा देती ऐसे गप्पो करके। आंटी अपना अपना अलग से डुक्का बना रही है। वेलकम और वेलकम बैक टू न्यू के व्लॉग्स। तो आज है थर्सडे और एज यू नो कि आज मेरा फास्ट है और मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है और अभी हम दूध गर्म करते हैं थोड़ा, वरना स्कूल में ही चक्कर आ जाए, इसलिए दूध और दही खा के जाते हैं घर से। और मम्मी मेरे लिए दही निकाल रही है अभी और मौसी का फ़ोन आया है, मौसी से बात करते हैं। चलो, हेलो मौसी। हेलो। आप नहीं आ रहे हो लेकिन आपकी आवाज जरूर आ जा रही है मेरे व्लॉग में। अरे क्या? हाँ मौसी नमस्ते। नमस्ते, ठीक है? हाँ। कौन रहा आज मौसा ने तेरे वीडियो ले? वाह 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 वाह। हाँ 10 बजे। अच्छा देखो गाइस 10 बजे था, मौसी लोग मेरे वीडियो देखने में थे। मौसा और मौसी बैठ के मौसी बोल रहे कि मेरे व्लॉग्स देख रहे थे, मेरी वीडियोस देख रहे थे। तो गाइस मैं अभी फटाफट से ये खा लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं क्योंकि फिर देर हो जाएगी। तो गाइस अभी मैं निकल चुकी हूँ और मैं मंदिर के यहाँ पे पहुँची हूँ, जय माता दी। तो अब स्कूल को चलते हैं, स्कूल में ही मिलते हैं। तो गाइस हम स्कूल में भी पहुँच चुके हैं और आज का मौसम मुझे लग रहा है कि आज बारिश होगी, मतलब सॉरी धूप आएगी, धूप आएगी, धूप ही धूप जैसे। मुझे फ़ोन आया था अभी और गाइस मुझे तो कल रात को ही मैसेज कर दिया था उन लोगों ने मौसम विभाग वालों ने कि कल तो धूप आएगी। पता है कल चंबावत में रेड अलर्ट था पूरा। हाँ छुट्टियाँ थी, छुट्टियाँ थी। मेरे भाई क्या बोल रहे हैं, कल वहाँ गया था ना बर्थडे में, बोले दीदी अगर सुबह तक कोई मैसेज आया तो बता देना मैं नहीं आऊँगा वहाँ। मेरी मौसी बोल रही है मानसी जो हमारे व्लॉग्स को फॉलो करती है रेगुलरली और मुझसे स्कूल में आके पूछती है कि मैम आपने ऐसा किया था, मैम आपसे ताला नहीं खुला। गाइस आज आ रही है फग्गू की साड़ी और फग्गू मालदार हो रखी है आज बहुत ज़्यादा। मेरे ही हैं दिव्या मैम के। ओके तो गाइस आज मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को ना बड़ी ऐसी थकाई जैसी लग रही है, मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही गले से। तुम्हें मेरे पर्स में पैसे को छोड़ के सब मिलेगा। अरे ये अपने पर्स में डाल दो ना। देखा अब ये भी आ गया, 50 रुपये का। घर पहुंच गया और मम्मी जा रही है कीर्तनों में। मैं आ रही हूँ मम्मी जा रही है। हाँ सो गाइस बैक टू होम। क्या बोल रहे हो? हाँ अंशु को क्या देना है? अरे ठीक है। हाँ गाइस चलो अब घर पहुंच गए हम। तो गाइस मैं घुस चुकी हूँ किचन के अंदर और देखते हैं क्या है फ्रिज में। फ्रिज में कुछ भी नहीं है ये। मैं पीती हूँ दूध पीती हूँ, बाकी तो क्या ही करूँगी। आज मम्मी ने बना रखी है माइक्रोनी क्योंकि मैं खाने वाली थी नहीं, मम्मी ने अपने लिए और प्रियांशु के लिए वो बनाया, क्या बोलते हैं माइक्रोनी, और उसके साथ रोटी खा लेंगे और वो तो कॉलेज ही है बड़ा वाला भाई। सो गाइस बाकी मैं फटाफट अपने लिए दूध गर्म करती फिर पीती हूँ उसे। सो गाइस अब मम्मी भी आ चुकी है और शाम भी हो चुकी है। तो क्या बोला ना, तो मिला ये प्रसाद। गाइस मेरी मम्मी को देखो फ्लो फ्लो में मेरे हाथ में प्रसाद लग रही है। अभी मैं अगर खा देती ऐसे गप्पो करके तो क्या हो जाता, सोचो तो मेरा बर्थ याद ही नहीं है। फिर बोलिए मत खा, मेरे को तो याद थी। हाँ याद थी तभी हाथ में दे रही है मम्मी मेरी। इतनी अच्छी मम्मी कहाँ से आई होगी, आपके पास भी है इतनी अच्छी मम्मी? हाँ नहीं तो मम्मी बोली मैं तेरा टेस्ट ले रही थी तो खाती नहीं खाती है। दह क्या होता है, मैं खा देती हूँ अनजाने में, मुझे याद ऐसे याद थोड़ी ना आएगा कि नहीं खाना है करके। तो गाइस अभी मैं कूल पहाड़न जो भी है वो उनकी वीडियो देख रही थी, तो क्या बोलते हैं
इतनी हंसी आई, फिर मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी को भी हंसी आ गई, इतनी जोरदार हंसी आई। और ये देखो आप, ये रोज मेरी मम्मी ना इतना सारा घास कहाँ से लाती होगी काट के, इतनी ताकत कहाँ से आती होगी। फिर हमसे बोलती है कि इतना ही है, बोलेगी इतना ही है, ये बस इतना ही है, इसको इतना ही तो होता है, ये क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता है। फिर दलो बोली, दलो इसको, दल दो। परसों हमारा बर्थडे था रहा। तो गाइस आंटी आ रखी है ठीक पर खेना ना हुना बरखा आ छंचर बाद दिया था पक्का बोला हम तीन छंचर बाद नहीं गया बरखा ही बरखा है आ चौथ वाल छंचर क्या बोलते हैं मैं तो लाई हूं पुतली आप कहां जा रहे हो घास घास ओ कमला घास्यारी। तो गाइस अब आंटी लोग जाने लग गए हैं। आंटी अपना अपना अलग से डोका बना रही है। अब देखो आंटी अपना डोका कैसे बनाते हैं। ये कैसे बनेगा आपका? ऐसे बनेगा ये, इसके अंदर डालूंगी मैं घास काटे ऐसे साइड से कोचते रहेगी आंटी घास, और मेरी मम्मी डोका लेके जा रही है। मैं भी डोका लाती फिर मैंने बोला होता नहीं होता है। ऐसे यहां से डालूंगी, ऐसे काटूंगी, बैग जैसा बना दिया आंटी ने। बाय गाइस, मम्मी लोग यहाँ घास की भारी काट के आ गए हैं। पानी ला श्योर गाइस, इनके लिए पानी लेके आते हैं, बेचारे इतनी मेहनत करके आए हैं। अब तो हमारे यहाँ भी हरियाली छा गई है, तो हमारे यहाँ भी घास हो गया है। पहले बुआ के वहाँ गई थी तो मैं आपको बोल रही थी कि वहाँ बहुत घास है, वहाँ बहुत हरियाली है, हमारे यहाँ पूरा सूखा पड़ा था, लेकिन अब हमारे यहाँ भी घास होने लग गया है गाइस। हमारी गाय भैंसों की मजे आने लग गई है, मजे पानी तो है। तो गाइज आज का मौसम सुबह ना बहुत थोड़ा सा धूप जैसी तो हो रही थी, लेकिन अभी का मौसम तो एकदम पूरा घिर चुका है बादलों से, देख सकते हो आप, बहुत ही मस्त सा मौसम हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल वाला मौसम हो रहा है। तो अभी मैं ऐसी छत में टहल रही हूँ, फिर उसके बाद पूजा करती हूँ, और सुबह भी मैंने बुक नहीं पढ़ी थी आज, मतलब व्रत की कथा नहीं पढ़ी थी, तो अभी पढ़ूँगी आराम से बैठ के। सुबह ना लेट हो जाता है, मतलब मैंने पहले भी करके देखा था कि होता ही नहीं होता है करके टाइम, तो ऐसे एक घंटा कब निकल जाता है पूजा वगैरह करने में पता ही नहीं चलता, फिर लेट हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कथा शाम को ही पढ़ूंगी, तो अभी टाइम होगा 7 बजे के बाद पूजा वगैरह करूंगी, फिर कथा पढ़ूंगी, उसके बाद जो बनेगा वो खाएंगे। वैसे भी इस दिन आज के दिन तो वैसे भी मिठाई खाते हैं, तो मिठाई कुछ बनाएंगी मम्मी। हाँ मम्मी ने बोला कि हलवा क्या बनाऊँ, तो मैंने बोला हलवा बना दो, तो मम्मी कुछ बनाएगी फिर मैं खाऊंगी। तो गाइस आप भी बताओ आपके यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, या बारिश हो रही है, कैसा हो रहा है, है ना, मतलब आजकल कैसा हो रहा है। रोज़ तो बदलते रहता है मौसम, मतलब रोज़ भी नहीं बदला तो एक एक हफ्ते में तो बदल ही जाता है। तो बस ऐसी ठंडी ठंडी हवा में मैं इंजॉय करती हूँ, आप भी इंजॉय करो मेरे साथ। तो गाइज अभी मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है, और अभी मम्मी मेरे लिए बना रही है हलवा, और साथ में देख रही है मेरा ही व्लॉग। तो आपने ही व्लॉग देखा नहीं देखा बताओ। मम्मी अभी देख रही है, मम्मी सुबह वहाँ गई थी ना कीर्तन में, तभी मम्मी अभी देख रही है, और मम्मी बना रही है मस्त सा प्रसाद अभी, उसके बाद बनाएगी हलवा। तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, और क्या ही कर सकते हैं ना, आप भी वेट करो मेरे साथ। मेरा खाना बन चुका है जो मैं खाने जा रही हूँ, ये देखो टड़ा टड़ 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 टड़ा हलवा, खाऊंगी हलवा, और ये रहा थोड़ा सा प्रसाद। मेरे घर में ज़्यादा ये प्रसाद कोई नहीं खाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हलवा और प्रसाद को मिक्स करके खाने में, तो मैं अपना खाना ले लेती हूँ। जी मैं लेके आ चुकी हूँ अपना खाना, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करना चाहती हूँ, अभी यहाँ पर समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे साथ में साथ ही साथ एडिटिंग भी करनी होगी अभी थोड़ी देर में।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।